नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले ही यूपी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में मीडिया की कवरेज को लेकर कुछ नियम कानून हैं जिसे हर हाल में मानना होगा। बता दें कि अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम जन्मभूमि पूजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच अयोध्या जिला प्रशासन ने टीवी न्यूज़ चैनलों को भूमि पूजन के दौरान प्रसारण को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि अगले हफ्ते राम मंदिर के भूमि पूजन को कवर करने वाले न्यूज़ चैनलों को लिखित में यह आश्वासन देना होगा कि वो उस दिन डिबेट में किसी विवादित पक्षकार को पैनल में शामिल नहीं करेंगे। साथ ही ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रसारण के दौरान किसी भी धर्म, समुदाय, संप्रदाय या किसी विशिष्ट व्यक्ति पर किसी तरह की कोई टिप्पणी ना की जाए। जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक अगर किसी न्यूज़ चैनल की वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ने की कोई स्थिति पैदा होती है तो इसके लिए उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस के हेड को जिम्मेदार माना जाएगा। मीडिया हाउस के हेड को लिखित तौर पर देना होगा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा और अगर किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी होगी तो इसकी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी मेरी होगी। न्यूज़ चैनलों को भेजे गए फॉर्मेट में बताया गया है कि कवरेज के लिए 9 प्रमुखों से परमिशन लेनी होगी और साथ ही कार्यक्रम के लिए किसी सार्वजनिक स्थान के बजाय एक निजी इनडोर जगह चुनी जाएगी। इस दौरान चैनल की डिबेट में जिन पक्षकारों को शामिल किया जाएगा उन्हें लेकर लिखित आश्वासन देना होगा कि इस कार्यक्रम में किसी विवादित पक्षकार को नहीं बुलाया जाएगा। किसी धर्म, संप्रदाय, पंथ या किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। इसके अलावा चैनलों से ये भी कहा गया है कि कार्यक्रम के दौरान उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कवरेज के दौरान पैनलिस्ट के अलावा कोई भीड़ या दर्शक नहीं होंगे। जो लोग रहेंगे उन्हें अनिवार्य तौर पर मास्क पहनना होगा। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए एडवाइजरी में सख्ती से इसका पालन करने के लिए कहा गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।